दोस्तों एक चीज की क्लियरिटी कर लीजिए, जल्दी आपको कंसल्टेशन पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे जिस दिन भी ये इम्पैक्ट होगा, जिस दिन भी स्टॉक मार्केट को हिट करेगा, तो उस दिन तुरंत आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टॉक मार्केट पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के वॉल्यूम पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से जो वर्किंग कमेटी है अपने फाइनल मोड पर है, यानी कि जो सेबी ने वर्किंग कमेटी बनाई थी उसकी वो बैठक भी हो चुकी है। अब फाइनल एग्जीक्यूशन आना है, फाइनल एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि अब हम जो सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए कंसल्टेशन मांगे जाएंगे, जैसे कि पहले भी हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, तो FNO ट्रेडिंग पे ही होगा। जो भी कुछ भी होना है, A to Z जो भी होना है वो FNO ट्रेडिंग पे ही होना है। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा कि सेबी ने देखिएगा डिस्कस कर लिया है, जितने भी वेज हैं, जितने भी तरीकों से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बंदिशें बना सकते हैं, पाबंदियां लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं लॉस से बचाने के लिए रिटेल ट्रेडर को, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और रिटेल पार्टिसिपेशन को लेकर, रिटेल स्पेकुलेशन को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, लॉसेस को लेकर, सब पे डिस्कशन हो चुका है। अब होना क्या बाकी है, 2 से 4 दिनों में कोई भी खबर अगर आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड पूरी तरीके से रहिएगा, क्योंकि अब रूल लिख के आएंगे, अब कोई ऐसी बात नहीं लिख के आएगी, रूल लिख के आएंगे डायरेक्टली कि क्या क्या करने की सोच रहा है सेबी। तो कम से कम कुछ ना सोचिए तो 3 डोमेन तो होंगे, एक मार्जिन को लेकर, एक लॉट साइज को लेकर, और एक देखिएगा ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मार्जिन एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप एक पर्टिकुलर डोमेन की लिक्विडिटी पे असर बना सकते हैं। जब स्टॉक का प्राइस भी देखिएगा, RBNL का 200 पे था तो लिक्विडिटी अलग थी, और 600 पे है तो आपको पता है लिक्विडिटी अलग है। तो ये चीज़ होती है कि प्राइस एक बड़ा फैक्टर होता है, पैसा एक बड़ा फैक्टर होता है। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है, इंडियाज मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी की बात हो रही है, प्लानिंग अ डिस्कशन। अब देखिएगा पूरी तरीके से अभी तक वर्किंग कमेटी चल रही थी, डिस्कशन हो रहे थे कंटिन्यू, देखिएगा सब कुछ तैयार किया जा रहा था। अब प्लानिंग अ डिस्कशन पेपर ऑन मेजर टू रेन इन अ सर्ज ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन डिस्पाइट हैवी लॉसेस। तो अब आप समझ सकते हैं डिस्कशन पेपर, कंसल्टेशन पेपर मार्केट में छोड़ा जाएगा, और उस पर्टिकुलर कंसल्टेशन पेपर में सब कुछ लिखा होगा जो सेबी करने की सोच रहा है। और फिर आपको पता है कि कंसल्टेशन पेपर ही फाइनल पेपर होता है, क्योंकि इतने लोग देखिएगा अपोज करते नहीं है जल्दी, और इतने लोग अवेयर नहीं है कि वो अपोज करें या फिर अपने कोई कंसल्ट दें या फिर अपने कोई देखिएगा राय रखें। तो ऐसे में जो भी डिस्कशन पेपर आएगा उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर एंड ऑप्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। और जिस दिन भी ये मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, तुरंत देखिएगा न्यूज़ आने लगेंगी, गूगल पे और सब तरीके के देखिएगा चीज़ें आने लगेंगी, ऐसा होने वाला है, मार्जिन ट्रेडिंग ऐसा वैसा, तो स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे तुरंत देखिएगा इस चीज़ को क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा, एडजस्ट करेगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ मीटिंग ऑफ द रेगुलेटरी सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी ऑन मंडे। तो आप समझ सकते हैं ये आउटकम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एडवाइजरी बनाई है, जो कमिटी बनाई है इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, कब करने के लिए। और मैक्सिमम चीज़ें देखिएगा, आपको पता है इंडिया देखता है कि बाहरी देशों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कैसे देखिएगा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कैसे इसके वॉल्यूम को कंट्रोल किया, उस पर्टिकुलर सजेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से हीट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बढ़ती जा रही है और वार्निंग दी जा रही है लगातार कि यहाँ पे अब ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि 10 में से 9 लोग अगर पैसा लूज कर रहे हैं तो ये एक सीरियस कंसर्न है सेबी के लिए, RBI के लिए, सरकार के लिए। तो ऐसे में अब आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, एनी डे ये जो देखिएगा पूरी कमेटी है, एनी डे पर्टिकुलर कंसल्टेशन पेपर लॉन्च करने वाली है FNO ट्रेडिंग पे। और जिस दिन भी ये डिस्कशन पेपर ऑन द देखिएगा टेबल आ जाएगा और आपको देखिएगा सर्कुलेट कर दिया जाएगा, उस दिन स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट,
और मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा बंदिशें ना हों, बाकी सारी चीज़ें हैं। और म्यूचुअल फंड को भी लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आपको पता है एक बड़ा डोमेन है, जिससे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए ये जो 6-7 दिन है बहुत ही कॉशियस रहिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करिएगा, या तो ट्रेड ही ना करिए अगर न्यू स्किल ट्रेडर हैं तो। ठीक है, राम राम।